नौकरी से बर्खास्त करना है, ये निश्चित रूप से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके हाथ में, पॉलिटिक्स के हाथ में है। उन अपराधियों को बचाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है, भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को बचाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है, ये उसी के तहत हो रहा है। आज ये बात कही जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या ये माना जाए कि वन इलेक्शन केवल मोदी का ही इलेक्शन है? और मोदी का इलेक्शन ही क्या होगा, मोदी तो अपने आप को डिक्लेयर करने के चक्कर में कि राजा डिक्लेयर कर दे। जो 3 कृषि कानून आए थे उसका मतलब भी यही था, इस देश के संघीय ढांचे को तोड़ना। इस संघीय ढांचे को तोड़ना संभव नहीं है, ये मूल संविधान का मूल ढांचा है, और इसके खिलाफ कुछ भी होगा देश में आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर आएंगे। 5 साल तक वो जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो नेतृत्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे अपने क्षेत्र का, और आप पहले कराएंगे तो ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करेंगे आप, तो ये किसी हालत में संभव नहीं है। मोदी के दिमाग के ख्याली पुलाव है, और बहुत इससे सिंपल है कि मोदी तानाशाह है, ये सिद्ध हो चुका है। जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी भाईचारे का संदेश देती होगी उसे पनपाने के लिए काम करेगी, मोदी किसी हालत में उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा, और राष्ट्रपति आज की तारीख में जो है उसने गुलाम बना के रखा हुआ है। मैं समझता हूँ मेरे बताने से बेहतर आप इस बात को रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि पहले दिन में और आज 9वें दिन में जमीन आसमान का अंतर। हाँ, भीड़ बढ़ी है पहले दिन। केवल भीड़ ही नहीं बढ़ी है, भीड़ के साथ साथ भिन्न भिन्न संगठन आने लगे हैं, देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग आने लगे हैं। आज देखिए यहाँ पर जो लोग आए, हरियाणा से आए, यहाँ पर पंजाब से साथी आए, राजस्थान भरतपुर से चल कर आए, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ संगठनों के साथ साथ अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी आना शुरू हुआ है, तो ये धीरे धीरे संगठन मजबूत हो रहा है, ये आंदोलन मजबूत हो रहा है, और जो आवाज़ हम लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सोशल मीडिया के सभी साथियों को कि आप इस आंदोलन की आवाज़ को लगातार देश के भिन्न भिन्न कोने में, दुनिया भर में पहुंचाने में लगे हैं, और उसका असर अब दिख रहा है। न केवल संख्या बढ़ी है बल्कि अच्छे अच्छे जो मजबूत साथी हैं समाज के, जो अपने आप में आंदोलन करने वाले रहे हैं, वो लोग भी धीरे 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 जुड़ने लगे हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन है, ताकत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। वकील साहब, आंदोलन का तो एक रास्ता है, आप कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं सीनियर, इसका कानूनी रास्ता क्या है? देखिए, कानूनी रास्ता कानून की तरह से चल रहा है। इस केस में FIR हो गई SC/ST एक्ट में, और IPC की धारा 465, 468, 471, 120 भी, वो भी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की, और स्पेशल एक्ट होते हुए भी, संगीन धाराओं में अपराध के होते हुए भी उस अपराधी प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं किया, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, बहुत सी चीज़ें रह गई, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी हुई। और SC/ST एक्ट में स्पेशल है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, वो इन्वेस्टिगेशन उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो पहले उन्होंने नहीं की, लेकिन हमने जब कोर्ट में आवाज़ उठाई, जो लॉ का प्रोविजन है वो हमने दिखाया, देन उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया, कहा भाई ये प्रोसीडिंग्स आप जो कैमरे में करो, आप रिकॉर्डिंग करो, वो भी अब शुरू हुआ है। तो जहाँ तक आप कानून की बात कर रहे हैं, विश्वास रखिए कि कानून के शिकंजे से हम इनमें से किसी को भी भागने नहीं देंगे, और केवल प्रिंसिपल ही नहीं, यहाँ का वाइस चांसलर ही नहीं, यहाँ का रजिस्ट्रार और जो प्रोफेसर हैं साथ में इन्वॉल्व हैं वो ही नहीं, बल्कि पुलिस में भी जो ACP है, जो DCP है, स्पेशल CP है, और पुलिस कमिश्नर तक भी जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है वो भी इसके दायरे में आएंगे, हम बख्शेंगे किसी को भी नहीं। तो कानून से आप निश्चित रहिए, वहाँ हम निश्चित रूप से जीतेंगे और अपराधियों को सजा मिलेगी, जेल तो ये जाएंगे पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, आंदोलन भी सड़क पे आंदोलन जरूरी होता है। सड़क पर आंदोलन करने से आपकी उस कानूनी लड़ाई को भी सहयोग मिलता है, जनता में समाज में एक जागृति आती है, लड़ने का मादा पैदा होता है, वो भी घरों से बाहर निकल के आता है, उसको भी सड़क पर लाना समाज को जरूरी है, इसलिए आंदोलन भी जरूरी है। और कुछ चीजें वहां उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो इसको टर्मिनेट करना है, नौकरी से बर्खास्त करना है, ये निश्चित रूप से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके हाथ में, पॉलिटिक्स के हाथ में है, और पॉलिटिक्स में आंदोलन करना जरूरी होता है, इसलिए आंदोलन यहाँ पर है। क्या डॉक्टर क्या हो रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, SC ST एक्ट भी लग गया, बचा को रहा सरकार? नहीं, निश्चित रूप से सरकार बचा रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। भाई मोदी सरकार का तो एजेंडा है कि जो अपराधी हैं और विशेषकर मुस्लिम समाज के खिलाफ, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके खिलाफ, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो सामने आ जा रहे हैं, उन अपराधियों को बचाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को बचाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये उसी के तहत हो रहा है, उसी के तहत इस प्रिंसिपल को बचाया जा रहा है, उसी के तहत VC को बचाया जा रहा है, और उसी के तहत रजिस्ट्रार और बाकी जो वो हैं, टीचर्स हैं, उनको बचाया जा रहा है, सरकार बचा रही है। क्या डॉक्टर ऋतु को कोर्ट के जरिए न्याय मिल पाएगी? मैंने आपको कहा, निश्चित रूप से न्याय तो वकील जो लड़ने वाले होते हैं उन पर निर्भर करता है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डॉक्टर सविता राय और यहाँ का VC और यहाँ का रजिस्ट्रार और ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये जेल जाएंगे, निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए इस बात को। सर, देश में एक चर्चा बड़ी तेजी से हो चली है, उसका अपना आपने भी बात रखी है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है, इसको कैसे देखिए? देश में वन नेशन है, हमारा देश है, लेकिन इस नारे के साथ के वन नेशन वन इलेक्शन, ये संविधान के विरुद्ध है, ये संविधान का जो संघीय ढांचा है उसके विरुद्ध है, संविधान का जो मूल ढांचा है ये उसके विरुद्ध है। और मोदी ये समझ रहा है कि किसी को इसके विषय में पता नहीं है, ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। देश का जो संघीय ढांचा है, आज ये बात कही जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या ये माना जाए कि वन इलेक्शन केवल मोदी का ही इलेक्शन है? और मोदी का इलेक्शन ही क्या होगा, मोदी तो अपने आप को डिक्लेयर करने के चक्कर में कि राजा डिक्लेयर कर दे, यही उसकी नीयत है। और जब अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देगा तो देश में संसद क्या करेगी, और नाम मात्र के लिए भी रखी जाए तो संघीय ढांचे में जो विधानसभाएं हैं वो क्या करेंगी, खत्म हो जाएंगी। और इसके संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, जैसे आप देखेंगे कि ये जो GST है, और इस GST को जिस तरह से लागू किया गया है, ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है कि देश में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, कलेक्ट करके सारा केंद्र के पास आता है, और आपने पीछे देखा होगा दो दो साल तक केंद्र ने दिया नहीं, स्टेट मांगते रहे, तो राज्यों को कह दिया गया रिजर्व बैंक से आप कर्जा ले लो। क्या है इसका मतलब? संघीय ढांचे को तोड़ना। जो 3 कृषि कानून आए थे उसका मतलब भी यही था, इस देश के संघीय ढांचे को तोड़ना। इस संघीय ढांचे को तोड़ना संभव नहीं है, ये मूल संविधान का मूल ढांचा है, और इसके खिलाफ कुछ भी होगा देश में आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर आएंगे। वैसे भी मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, अब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का चुनाव होना है जनवरी 2025 में। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, तो सरकार की नीयत ऐसी नजर आ रही है, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन इससे ऐसा नजर आ रहा है, और जिसके लिए स्पेशल सत्र भी बुलाया गया 18 से 22 सितंबर के लिए, कि ये जो 4 राज्यों में चुनाव होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन्हीं के साथ पूरे देश की विधानसभाओं को भंग करके वहां पे इलेक्शन करा लिया जाए, क्या ये संभव है? क्या ये ठीक है? क्या ये कानूनी है? क्या ये संविधान सम्मत है? नहीं। जिन विधानसभाओं के चुनाव हुए, जैसे आप उत्तर प्रदेश ही ले लें, उसके चुनाव हुए कुछ 2 महीने 2.5 साल होने वाले हैं, 2.5 साल होने वाले हैं, नहीं 1.5 साल हो गए उसके, 22 में हुआ था, 1.5 साल हो गए, तो क्या उसको भंग करके आप 3.5 साल का जो उसका पीरियड उसे खत्म करेंगे? अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, इसको खत्म करके जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं उसको खत्म करके, जो गुजरात में चुनाव हुए हैं इनको खत्म करके, जो इनका अभी लगभग 4.5 साल का पीरियड पड़ा है, आप उसे
खत्म करना चाहेंगे, उससे पहले चुनाव कराएंगे, क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है, ये संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान कहता है एक बार विधानसभा के चुनाव होंगे तो दूसरे चुनाव 5 साल बाद होंगे। 5 साल तक वो जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो नेतृत्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे अपने क्षेत्र का, और आप पहले कराएंगे तो ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करेंगे आप, तो ये किसी हालत में संभव नहीं है। मोदी के दिमाग के ख्याली पुलाव हैं, और बहुत इससे सिंपल है कि मोदी तानाशाह है, ये सिद्ध हो चुका है, मोदी राजा बनना चाहता है, ये भी अब सब लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार की ये गुंडागर्दी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी, चलेगी नहीं, चलने नहीं दी जाएगी। नहीं, प्रेसिडेंट रूल अगर हो भी जाए, मान लिए वो भी एक तरह की तानाशाही है, आप उसे भी कह सकते हैं कि देश का जो ढांचा है उसको खत्म करना, अगर प्रेसिडेंट रूल करेंगे तो क्या आप अमेरिका की तरह संविधान लागू करेंगे? पर जब आप मनुस्मृति पर आधारित संविधान की बात कर रहे हैं तो अमेरिका का तो इतना बढ़िया संविधान, वहां तो मतलब स्वतंत्रता, समानता, उन सब चीजों की कितना महत्व है, क्या उस तरह से करेंगे? नहीं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना है, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इस रास्ते में आड़े आएगी, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी भाईचारे का संदेश देती होगी, उसे पनपाने के लिए काम करेगी, मोदी किसी हालत में उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा, और राष्ट्रपति आज की तारीख में जो है उसने गुलाम बना कर रखा हुआ है। भाई आप देखिए कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएम हाउस से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां से जाता है, बिना उनके उसके कोई मिल नहीं सकता। और जब आपने संसद का उद्घाटन किया नहीं, का राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं, तो राष्ट्रपति होने का मतलब क्या है? और एक गुलाम राष्ट्रपति उसे बना दिया है, एक कमेटी बनाई है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वो मोदी का गुलाम है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये संविधान के विरुद्ध हैं, इन्हें देश बर्दाश्त नहीं करेगा।